आपका क्या आता है यू गया कहाँ? अब ये जो गाड़ी देख रहे हो ना, इसमें एक कच्चादारी दूसरी कच्चादारी को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता है और मैं हर बार की तरह उनकी लॉन्ग ड्राइव को फेल कर देता हूँ और उसकी मोहतरमा नीचे उतर के मुझ पर गुस्सा करने लगती है। पता नहीं क्यों मैं इतना बोला बाला जरीब विक्टर हूँ। विक्टर तेरी इतनी हिम्मत मेरे लंबे एक खुद तेने नॉक कैसे कर दिया साले? गरम मसाले तेरी बीबी मेरे हवाले। नंबर एक आजा आजा, मैंने इस विक्टर को मजा चका दिया। अब ये इतना डर गया है कि अब ये बाहर भी नहीं निकलेगा। तू टेंशन मत ले, मैं तुझे ले बैठ देता हूँ। अब ये विक्टर देखते विक्टर की ऐसी की तेजी से साला आपको नॉक भी नहीं कर पाएगा। लसन कचतरी आ देखे जरा किस में है कितना है दम। बच गया, अरे ये तो यहीं पर रह गया गाइस। ये अलार्म कॉल विक्टर के ऊपर इजहार करने लग रहा है। कहाँ पर है ये साला चिपके बैठा है ऊपर? विक्टर साले दबे तो बाहर निकल जा। नंबर टू तू टेंशन से मेरे पास आ जा। हाँ यहीं पर ले बैठ दूंगा। ये साला विक्टर अब इस घर में से निकलेगा ना ऊपर से तब मजा चुकाऊंगा इसको। तो यहीं पर बैठा ले। हाँ। पता नहीं गाइस ये कच्चादारी मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गया। और ये देखो, एक तो सामने पेड़ पे आके लेट गया, दूसरा वाला यहाँ पर इसको लेके पता नहीं कहाँ पर डोलने लग रहा है। इसे देखो कैसे लेटा पड़ा है, ये सोच रहा है कि मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जानता नहीं है। थोड़ी बहुत गोली बांधने के बाद मैंने सोचा यार इसको नॉक करूं या ना करूं, मैं खुद कंफ्यूज था। मैं उन दोनों को देखता हूं, इसको बाढ़ में जाने दो। ये देखो ये रिवाइव होके यहाँ पर सांप बन गया। सांपों का पूरा खानदान है ये लगता है मुझे। लेकिन ये गुलाबी कपड़े वाली तो बहुत जरीफ दिख रही है मुझे। लेकिन वो बात छोड़ो, इसे देखो ये हरामखोर साला मेरे ऊपर फायर कर रहा है। इसकी बहस की आंख। जब हम दो कच्चेदारियों को परेशान कर रहे हो तो तीसरे कच्चेदारी को बीच में नहीं आना चाहिए, ऐसे बड़े बूढ़े लोग कह गए थे। और ये कच्चेदारी तो गाइस मेरे ऊपर रस करते थे। गुलाबी कपड़े वाली किधर आ रही हो तुम? विक्टर के घर में आओ तो परमिशन लेके आओ, वरना बिल्कुल भी आता हो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। खैर गाइस इसका बंधक आ गया गुलाबी कपड़े वाली का। ये रहा कम टेढ़ी करके चल रहा है ये तो। ओ ये अब मेरी जगह पे पहुंच गया, मैं उसके ऊपर पहुंच गया, इसको मैं दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ। तो ये नीचे उतर गया। अरे नंबर तो रिवाइव दे दे। अबे साले तू तो बाढ़ में जा, मैं तो जोत चालू हो गया, मैं तो जाला हूँ साला, जोत डैमेज कर देगा मेरे, मैं भी तुम्हारे साथ नॉक हो जाऊंगा, क्या फायदा ऐसे? मैं तो जाला हूँ, तुम चालो। बहुत दिन से तू रिवाइव नहीं दे पा रहा था मुझको। कितना तड़पाया तूने रिवाइव देने के लिए। अब मैं गाड़ी लेके अब मैं तो जोन में जा रहा हूँ, तू साले यहीं पर बनी है जोन में। तुम दोनों सालो ऐसी लायक हो, मैं तो जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा। अब इस कच्चादारी को देखकर क्या सीख मिलती है तुम्हें? अगर टीममेट तुम्हारा कुछ इस टाइप का है तो उसको रिवाइव देने की भूल बिल्कुल मत करना। उससे आशा तो बिल्कुल मत रखना कि वो तुम्हारी आशाओं पे खरा उतरेगा। खैर मैं इस गाड़ी का पहिया पंचर कर देता हूँ, जिससे ये कच्चादारी कुछ ज्यादा दूर तो जा नहीं पाता है, और मैं इसको आराम से पकड़ देता हूँ बग्गी ले जाके। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे, हाँ ये अपने दोनों बंदों को छोड़कर इसको इतना डर लगा कि वो उनको नौके छोड़ गया और उन्होंने तड़प तड़प के जोन के अंदर अपने प्राणों को त्याग दिया, फिर उनकी बेटी बन गई। वैसे तो इस सब का श्रेय मेरे ऊपर ही जाता है, क्योंकि मैंने इस कच्चादारी को इतना डरा दिया था 4-5 बार नॉक करके। तो जाहिर सी बात है किसी भी बंदे की फट जाएगी। और मैं इसकी गाड़ी को यहाँ पर रुकवा देता हूँ, लेकिन वो रुकता ही नहीं साला। तो मैं दोबारा इसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता हूँ और मैं रोक भी लेता हूँ और तुरंत इसकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। और हम इस कच्चादारी की जात पता नहीं ये हमें कहाँ पर ले जा रहा है, और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसको पता है कि नहीं पता है कि मैं इसकी गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ। क्या भाई कहाँ पर ले जा रहा है? अब एक दो गोली मारता हूँ, लेकिन ये कच्चादारी गाड़ी को रोकता ही रही है और उल्टा 90 की स्पीड में यहाँ से भगाने लग जाता है गाड़ी को। फिर मुझे याद आया मेरे पास एक स्टन ग्रेनेड जला है, जिससे मैं इसके चारों ओर कोहरा ही कोहरा कर दूंगा। फिर देखते हैं ये रोकेगा या नहीं। लेकिन ये बेशरम अपनी गाड़ी को रोकने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता ये अब कहां पर ले जा रहा है, अपने दूसरे बंदे के पास तो नहीं ले जा रहा है पिटवाने के लिए। मेरे साथ ही स्कैम हो जाए, मैं इसको ट्रोल कर रहा हूँ, ये मैं ट्रोल हो जाऊँ उससे। खैर इसने गाड़ी रोकी तो नहीं, लेकिन ठोक जरूर दी। रियल लाइफ में पता नहीं ये कच्चादारी क्या करेगा, ऐसे अंधे पैरों की तरह गाड़ी चलाते हैं क्या? ऐसे तो कोई तुम्हें लाइसेंस भी नहीं देगा कच्चादारी, इस बात की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इतनी महंगी गाड़ी पे स्क्रैच लगा रहा है, कुछ भी शर्म नहीं है कि नहीं है? माँ वो बात है ना कि फ्री में मिली हुई चीजों की कोई इज्जत ही नहीं करता है। तो गाइज अब मैं इस कच्चादारी को अपने साथ ले डूबूंगा, लेकिन नहीं उससे पहले ही ये कच्चादारी अपनी गाड़ी रोक लेता है। तो गाइस आज तुम्हें इस विक्टर के टकले की कसम, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, और बगल में जो घंटा आता है उसको भी दबा दे।